इस बार तो लगता है जैसे पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे छोटी, ऐसा ही मुझे भी लग रहा है। क्यों अम्मा, क्यों बाबा? हाँ भाई, इस बार तो लग रहा है जैसे मुसीबत हमारे घर तक न आ जाए। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? चलो अब मुसीबत के बारे में सोच सोच कर अपना समय बर्बाद करने के बजाय घर के अंदर चलो। खाना बन गया है, सब खाना खाओ। हाँ हाँ चलो, आ रहा हूँ मैं भी। क्या बनाया है बिजली? अरे कुछ नहीं, अब थोड़ी सी सब्जियाँ वगैरह बची हुई थी, वही मैंने बनाया है। अच्छा चलो, अच्छा किया। मैं सोचता हूँ बारिश हो रही है, नदी से मछलियाँ ले आता हूँ। इस तूफान और बारिश में तुम नदी में जाओगे और नदी का पानी तो बहुत बढ़ गया है, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। अरे पगली, तुम्हें तो पता ही नहीं है, जब हम बच्चे थे और ऐसे बारिश आती थी तो खूब मछलियाँ पकड़ने जाते थे। अरे कुछ नहीं होता है, नदी के इस किनारे में पानी कम गहरा है और वहाँ पर मछलियाँ पकड़ना आसान होता है। बाबा मैं भी जाऊँगा। अच्छा तू भी चले जाना। नहीं नहीं, तुम लोग कहाँ जाओगे? हाँ बारिश और नदी, मुझे तो बहुत डर लगता है। अम्मा जाने दो ना, मैं भी जाऊंगी। सब जाएंगे, वहाँ पे मछलियाँ पकड़ेंगे। अरे बिजली जाने देना ना, इन्हें भी अच्छा लगेगा। मैं हूँ ना, तुम डरती क्यों हो इतना? अच्छा अच्छा खाना खाओ, फिर देखते हैं जो होने का होगा। अब जो होगा वो कल होगा, आज कुछ नहीं। अच्छा अच्छा चलो, कल ही होगा। चलो बच्चों खाना खाना, जल्दी जल्दी खत्म करो। देख रहे हो बाहर? अरे बारिश को देख रहा हूँ, और क्या देखूंगा? अब न जाने ये कब रुकेगी। मुझे तो ये कोई साधारण बारिश नहीं लग रही है, जिस तरीके से और जिस रफ्तार में पानी बरस रहा है, कहीं ये गांव के लिए मुसीबत न बन जाए, अनाज चावल दाल सब खत्म न हो जाए। कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, अब क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, वो देखो कद्दू के पौधे को, वो तो पानी में डूब गया है। मुझे नहीं लगता है वो अब बचने वाला है। बताओ, कद्दू के वजह से दो चार दिनों से घर में सब्जियां बन रही थी, अब ये भी मुश्किल में आ गया। अब आगे न जाने क्या क्या मुश्किल में आएगा। इन गायों को घास कहाँ से दूँ? मैंने तो पहले कहा था गाय को घर में रखने से कोई फायदा नहीं है, इसे बेच दो, लेकिन तुमने सुना नहीं। अब इस बारिश में इन गायों के लिए चारा कहाँ से लाऊं? अरे बिजली ऐसा क्यों कह रही हो, अब ये गाय ही तो है जो कम से कम दूध देती है, तो हमारे लिए दूध मिलता है। और सुनो, पीछे जो बगीचे में हमने केले के पेड़ लगा रखे हैं, अब वो पानी में तबाही हो जाएंगे, बर्बादी हो जाएंगे। मैं उनके पत्ते काट कर ले आता हूँ, कम से कम दो चार दिनों तक ये उन पत्तों को खाकर गुजारा कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। अरे मौसी, जा रहा हूँ गायों को चारा देने के लिए। हाय हाय, इस बारिश में तो बड़ी मुश्किल हो गई है, सबकी फसलें डूब गई है। इस बार न जाने गांव में क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उम्र बीत गई, कभी ऐसा नहीं देखा था बारिश, लगातार बारिश हुई जा रही है। अरे मौसी, जो होगा देखा जाएगा, अब तुम मुझे डराओ मत, पहले से ही मैं डरा हुआ हूँ सोच सोच कर न जाने क्या होगा, और तुम्हारी बातों से और ज्यादा डर लगने लगता है। अरे मैं कहाँ डरा रही हूँ, मैं तो बस सच कह रही थी। अच्छा मौसी चलता हूँ मैं। अरे रे, सुनना, मैंने तुझे रोका है खास काम के लिए। क्या मौसी, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। सुनना, आज सोच रही हूँ दोपहर का खाना तुम्हारे घर में खा लूँगी। अच्छा मौसी आ जाना, कोई बात नहीं है, हमारे घर में अभी अनाज है और तुम खा लेना। ठीक है चलो, बढ़िया बढ़िया। चलो आज का तो इंतजाम हो गया, मेरा अनाज आज का तो बचा ना, अपने अनाज को मैं बचा बचा कर चलाऊंगी, फिर कोई ना कोई नया मिल ही जाएगा, कल उसके घर खा लूंगी।
कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ बाबा, नहीं जाना है क्या? मुझे भी जाना है मछली पकड़ने, आपने बोला था। अरे देख नहीं रहे हो, बाबा खुद थक कर आए हैं, परेशान हैं, ऊपर से और परेशान कर रहे हो। नहीं जाना है कहीं मछली पकड़ने? अरे नहीं नहीं, जाऊंगा। नहीं जाऊंगा तो आज खाना क्या पकाओगी? सब्जियां सारी खत्म हो रही है और घर के आसपास जो सब्जियां थी उनके तो पौधे ही अब गल रहे हैं। ये पौधे अब एक दो दिन में मारे जाएंगे। अब मछलियां लाऊंगा तो कम से कम रात में अच्छे से तो खाएंगे। देखना फिर जल्दी आ जाना, ज्यादा देर मत करना। अरे नहीं नहीं, दोपहर होने से पहले मैं आ जाऊंगा। शाम को खाएंगे मछलियों को, अभी जो भी है तुम बना डालना और हम जब आएंगे तो फिर हम साथ खाना खाएंगे। और एक बात बता दूं, मीनू मौसी आई थी। मीनू मौसी ने कहा है कि वो दोपहर का खाना हमारे साथ खाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं उनके हिस्से का भी खाना बना दूंगी। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चलो बच्चों, जरा जाल और एक टोकरा दे दो। ये लो। देखो बच्चों, ये जाल लो, एक तरफ से तुम पकड़ना, एक तरफ से तुम, और मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करना। जैसे मछलियाँ फंसे जाल को ऊंचा कर लेना, बस वो फंस जाएगी। ठीक है बाबा। हाँ बाबा, मैं भी कोशिश करती हूँ। हमारे जाल में तो मछलियाँ फंस ही नहीं रही हैं। हाँ बाबा, इतने देर से हम हैं, एक भी मछली नहीं फंसी। हाँ वही तो देख रहा हूँ, न जाने क्या हो गया है। अरे इस बारिश में अब मछलियाँ भी नहीं मिलेंगी क्या? भूखों मारने का इरादा है क्या ऊपर वाले का? अच्छा मैं देखता हूँ, ठहर जा। अरे जाल में लग रहा है कुछ फंसा है, खींचता हूँ, अभी पता चल जाएगा। अरे वाह, इसमें तो ढेर सारी मछलियां हैं। अब इसको खींच लेता हूँ। अरे ये कौन सी मछली है? मैंने तो ऐसी मछली कभी नहीं देखी। बाबा मैंने भी नहीं देखी, ये कैसी मछली है? बाबा हम क्या इसे खाएंगे? अरे मैंने कभी ऐसी मछली नहीं देखी है। चलो अब हंडी में सारी मछलियाँ ले लो और चलो घर। घर जाकर सोचेंगे क्या करेंगे क्या नहीं। अरे आ गए तुम लोग, बड़ी देर कर दी। हाँ भाई, बच्चे मछलियाँ पकड़ना सीख रहे थे, थोड़ी देर तो होगी ही ना। चलो अब खाना भी बन गया है। अरे बिजली देखो ना, इतनी सारी मछलियाँ पकड़ी है, पर इसमें ये एक नीली मछली है। इसे ना एक अलग बर्तन में रख दो। अब मुझे मेरा मन नहीं कहता है इसे हम मार कर खाएं, देखते हैं जो होता है। अच्छा ठीक कह रहे हो, मैं इसे अलग बर्तन में डाल दूंगी, तुम परेशान मत हो। देखो ऊपर वाले ने आखिर हमारी सुन ली और हमें मछलियाँ दे दी, कम से कम हम साथ बैठकर खा तो सकेंगे। हाँ ले लो और इसे बनाना। चलो अब खाने की तैयारी करते हैं। मीनू मौसी आई थी क्या? नहीं अभी वो आई नहीं है। अरे इतनी सारी मछलियाँ, कालू कहाँ से लेके आया? अरे मौसी मैं नदी में गया था, वहीं से मछलियाँ पकड़ कर लाया हूँ। हाय हाय, ये तो बड़ी प्यारी है। अरे वाह वाह, सुनना शाम को मछली बना रहा है क्या? हाँ मौसी, शाम को भी तुम आ जाना खाने को। मैं समझ रहा हूँ, मछलियाँ देखकर तुम्हारे मन में भी लालच आ रहा है। अरे लालच क्यों आएगा मुआ, तू तो मेरे बेटे जैसा है, तेरे घर में खाने में कैसी शर्म। हाँ हाँ मौसी। अच्छा आप लोग अब आ जाइए, खाना तैयार है, सब खाना खाइए। अरे वाह वाह वाह,
बिजली तेरे हाथों में तो जादू है, क्या खाना बनाती है तू, वाह मजा आ जाता है। अरे घर में कोई है क्या, बाहर निकलो। कालू, ओ कालू जल्दी से बाहर निकल। अरे ये तो सेठ जी की आवाज है, अब बिजली मैं आता हूँ। अरे खाना तो खा लो, मैं जाती हूँ उन्हें बोलती हूँ थोड़ी देर रुकेंगे। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैंने उनसे बहुत सारा कर्जा लिया है, कहीं वो बुरा न मान जाए, मैं अभी बाहर से आता हूँ। क्यों बे, हाँ पिछले महीने से तूने मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया है, क्या समझता है खुद को बहुत चालू समझता है क्या? माली बहुत दिनों से कौवा नहीं खाया मालिक, बोलो तो इसे खा लूं। अरे चुप करो, तुम्हें तो हमेशा पेट में ही आग लगी रहती है। कालू सुन, अब मुझे पैसे चाहिए, तू मेरा ब्याज भी नहीं दे रहा है। मालिक कैसी बातें कर रहे हैं आप, देख ही रहे हैं बारिश में सारा काम धंधा बंद है, सब कुछ बंद है, क्या करूं मालिक आप ही बताओ। देख भाई मैं वो सब कुछ नहीं जानता, बस मुझे चाहिए तो चाहिए, अब तू कहाँ से लाएगा कैसे लाएगा वो तू जान, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और ये मौसम क्या, मैंने खराब किया है क्या जो मैं भुगतूंगा? मैं क्यों भुगतूंगा, मुझे नहीं भुगतना, मुझे बस मेरा पैसा चाहिए। 4 दिन का वक्त देता हूँ, 4 दिन के अंदर ब्याज पहुँचा देना, नहीं तो फिर इसी बारिश में इस घर से बाहर लाकर खड़ा कर दूंगा। ठीक है मालिक, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। मछलियों की गंध आ रही है मालिक, लगता है इसने मछलियाँ पकड़ी है। मालिक आए हैं तो कुछ तो लेते चलिए। अरे ऐसा है क्या? हाँ मालिक, थोड़ी सी मछलियाँ पकड़ी थी, वो घर के खाने के लिए थी। अरे तो क्या मैं नहीं खा सकता? हाँ क्यों नहीं, चलो चील लेकर चलो इसे, आज मैं बनवाऊंगा इसे। बहुत दिन हो गए खाए हुए, खाएंगे इसे मिलकर। चलो बला टली। बाबा आपने मछलियाँ दे दी, अब हमारे लिए तो कम हो जाएंगी। अरे नहीं नहीं आधी मछलियाँ अभी भी हैं, हम सबके लिए बहुत है, हम थोड़ी थोड़ी खाएंगे और क्या, इसमें परेशान होने की क्या बात है, क्यों मौसी? अरे रे कालू तेरा दिल बहुत बड़ा है, क्या करें अब मुआ सेठ है ही ऐसा, लोगों को परेशान करता रहता है ये सेठ। हाँ बता, इतनी मुसीबत है फिर भी इस कमीने को दया नहीं आती है, ये कमीना गरीबों के ऊपर एकदम से जुलम करता रहता है। अरे मौसी कोई बात नहीं है, परेशान मत हो, चलो खाना खा लो। चाहती हूँ मैं रात की तैयारी करती हूँ, मीनू मौसी भी तो आएगी खाने को। हाँ तैयारी करो तुम, जल्दी जल्दी कर बना कर रख लेना शाम को, क्योंकि भूख लग जाएगी। हाँ समझ रही हूँ मैं। दीदी कहाँ है मेरा कालू बेटा? अरे भूख लगी है, मछली के तो नाम से पेट में चूहे कूद रहे हैं, मैं तो बस इंतजार कर रही थी कब खाने को मिलेगा। हाँ मौसी आ जाओ, खाना बिल्कुल तैयार है। देख रहे हो, क्या सोच रहे हो? अरे सोच रहा हूँ 3-4 दिन बाद क्या होगा, पैसे तो मेरे पास है नहीं और कोई काम धंधा भी नहीं है, क्या करूँ कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। अच्छा कल का कल देखा जाएगा, अभी आराम से सो जाओ। अरे बिजली ये अनाज के बोरे कहाँ से आए? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, रात में तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया था, ये अनाज के बोरे कहाँ से आए?
ये बोरे मैं लेकर आई हूँ, मेरी जादुई शक्तियों से आए हैं। कालू तुम जाओ नदी से मछलियाँ पकड़ो, तुम्हें ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी और गांव में मछली भात बनाकर बेचो, तुम्हें अच्छी खासी आमदनी होगी, इससे तुम उस सेठ का कर्जा भी चुका दोगे। अरे तुम तो बोल सकती हो। हाँ मैं बोल सकती हूँ, मैं उस नदी की रानी हूँ। अरे मुझसे तो गलती हो गई, चलो मैं तुम्हें वापस से उसी नदी में छोड़ देता हूँ। नहीं, मेरे पिता ने मुझे 15 दिन किसी भी मनुष्य के साथ जिंदा रहने के लिए शर्त रखी थी। संजोग से तुम मुझे ले आए, मुझे तो लग रहा था कि कोई दूसरा होता तो मुझे काट कर खा चुका होता, पर तुमने मुझे काट कर नहीं खाया, तुमने मुझे पाला। ये दिखाता है तुम बड़े अच्छे हो, नेक हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। अरे मछली भात ले लो, मछली भात। सेठ जी ये लीजिए, आपका ब्याज भी और आपका मूल भी, अब मेरे ऊपर आपका कोई कर्जा नहीं है। अरे वाह कालू, तूने तो इस बारिश में भी जुगाड़ लगा लिया, आखिरकार उपाय निकाल लिया। चलो अच्छा है, मेरा क्या, मेरा कर्जा चुक गया, यही बहुत है। सुना है तू उस गांव में मछली भात बेचता है। हाँ मालिक, बस एक रोजगार मिला है, उस रोजगार को करता हूँ। अच्छा है अच्छा, मछलियाँ यहाँ भी पहुंचा दिया कर, जो दाम लगेगा वो मैं दे दूंगा। ठीक है मालिक, पहुंचा दूंगा। कालू तुम्हें जब भी कोई मदद की जरूरत हो मुझे कहना, और सुनो तुम्हारे घर में अनाज की कभी कोई कमी नहीं होगी। लोगों की मदद करना, अपना रोजगार भी चलाना, और कोई जरूरत हो तो मुझे याद करना। हाँ हाँ नीली मछली, तुमने तो मेरी बहुत मदद करी है, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा। और कालू कौवा अपने घर के लिए उड़ता उड़ता निकल जाता है। अरे जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काट लूँ, मौसम तो खराब होता हुआ दिख रहा है। अरे बाप रे थक गया। अरे ये तो बारिश शुरू हो गई, चलो चलो जितनी लकड़ियाँ हैं कम से कम उन्हें लेकर निकल चलता हूँ। हाँ देखो ना, अचानक से जंगल में बारिश शुरू हो गई, सोचा भी नहीं था, और ये लकड़ियाँ लेकर आने में थोड़ी देर भी हो गई। कोई बात नहीं है, चलो अब घर के अंदर चलो, जल्दी जल्दी खाना बना रखा है मैंने, खाना खा लो। हाँ थोड़ा भींगा हुआ हूँ, पोछ पाछ कर आता हूँ फिर खाना खाऊंगा। अच्छा किया जल्दी जल्दी बना लिया था, अब बड़ी जोरों की भूख लगी थी। हाँ हाँ खाओ खाओ। अरे ये तुमने क्या बनाए हैं? मैंने अंडे बनाए हैं। कहाँ से लेकर आई थी अंडे? मीनू मौसी के पास गई थी, उनके पास से अंडे लाई हैं। सुनो ना मैं एक बात कह रही थी। क्या? मैंने मीनू मौसी से अंडे खरीदे, एक अंडे का वो
5 रुपए ले रही थी। अच्छा, अंडे तो महंगे है ही, इसीलिए मौसी ने लिया होगा इतना पैसा। फिर क्या हुआ? मैं ये कह रही थी, तुम इस बार जब बाजार जाओगे तो मेरे लिए एक मुर्गी ले आना ना, मैं मुर्गियों को पालूंगी, हमारे घर में भी मुर्गियां अंडे देंगी। अरे देखो बिजली, ये सब काम मेरे से नहीं होता है, तुम खुद ही चली जाना बाजार और वहाँ से कोई अच्छी सी मुर्गी उठाकर ले आना, जो पैसे लगेंगे वो मुझसे ले लेना तुम। अच्छा ठीक है, मैं ही चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। हाँ। अरे मैंने जंगल में एक पेड़ अधूरा छोड़ दिया है, आधा कटा हुआ है, जाता हूँ आज और उसे काट कर पूरा ले आता हूँ। अभी कहाँ जा रहे हो, छोड़ दो ना, कल ही लेकर तो आए थे लकड़ियाँ। अरे पागल हो, कोई और आएगा और आराम से काट कर ले जाएगा, मेरी सारी मेहनत का फल, वो तो मैं कल ही काट लेता, बारिश ना आती तो। अच्छा ठीक है, जाओ फिर तुम, मैं भी जा रही हूँ बाजार एक मुर्गी लाने के लिए। अच्छा ठीक है, तुम जाकर ले आना जो मुर्गी तुम्हें चाहिए। मंगरू भैया कैसे हो? ठीक हूँ भौजाई, अब बताओ आज तुम बाजार कैसे आई हो और वो भी मेरे पास। कुछ नहीं, एक मुर्गी चाहिए मुझे, अच्छी सी मुर्गी दे दो मुझे। क्यों, मुर्गी पालोगी क्या? हाँ मैं वही सोच रही हूँ, मेरे से खरीद खरीद कर अंडे नहीं खाए जाएंगे, इसलिए मैं मुर्गी पालना चाहती हूँ। अच्छा है भौजाई, अब तुम लोग नहीं पालोगे तो मेरी मुर्गियाँ बिकेंगी कैसे? बिल्कुल बिल्कुल ले जाओ, ये लो, ये है 100 रुपए की। अच्छा कोई बात नहीं है, ये लो पैसे। ये देखो मैंने आज मुर्गी खरीदी है और इसे रख भी दिया है। अरे वाह, ये मुर्गी तो बहुत अच्छी लग रही है, चलो अब तुम्हें अंडे कब से मिलते हैं वो देखो, वो सबसे बड़ी बात होगी। ये तो एक अंडा है, अब कल इंतजार करना होगा, ऐसे तो मुझे 5-6 दिन में एक अंडे मिलेंगे, क्या करूं? अरे अब तो मेरे पास 10 अंडे हो गए, क्या करूं, इसकी सब्जियां बना दूं या फिर इन अंडों को छोड़ दूं ताकि इसमें से बच्चे निकले, बच्चे निकलेंगे तो ढेर सारी मुर्गियां हो जाएंगी और ढेर सारी मुर्गियां हो जाएंगी तो ढेर सारे अंडे होंगे, ऐसा ही करती हूँ। वाह देखो कितनी सारे अंडे हो गए मेरे पास, अब तो मैं आराम से घर में रोज बना सकती हूँ, लेकिन रोज नहीं, हर 2 दिन पर घर में अब अंडे की ही सब्जी बनेगी। अरे बिजली क्या बात है, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या बनाया है? मैंने अंडे बनाए हैं, अपने ही मुर्गियों के अंडे हैं, खा कर देखो। अच्छा
ये तो बड़ी अच्छी बात है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा है खाना, तुमने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। अरे बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर दूसरे पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, तब फिर से काम करूँगा। थोड़ा आराम मिला। अरे ये कैसा अंडा है, पता नहीं किसका अंडा है, ऐसे तो इसे कोई बिल्ली बिल्ली खा जाएगी, क्या करूं, इसे लेकर घर चलता हूँ। क्या बात है, आज बहुत कम लकड़ियाँ लेकर आए हो। हाँ देखो ना, मुझे ये एक अंडा मिला है, इस अंडे को ले आया हूँ मैं, न जाने मुझे क्यों ऐसा लगा कि इसे लाना जरूरी है। अरे ठीक ही किया, मैंने भी कुछ नए बच्चे बनने के लिए अंडे रखे हुए हैं, वहीं पर मैं इस अंडे को भी रख दूंगी, अब जिस चीज का अंडा होगा खुद ब खुद बच्चा निकल आएगा। चलो अच्छा है, ये लो। अरे ये तो नई मुर्गी है और वो भी बड़ी। क्या हुआ बिजली, क्या देख रही हो? मैंने तो चूजे से मुर्गी बनते देखा है, लेकिन पहली बार देख रही हूँ, इस अंडे से तो सीधे बड़ी सी मुर्गी बन गई है। अरे मुझे भी ये बड़ा अजीब लग रहा है, अब मैंने कभी नहीं सुना है ऐसी भी कोई मुर्गी होती है। वही तो, न जाने ये कैसी मुर्गी है। अरे छोड़ो कोई बात नहीं है, दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं, इसे बाकी मुर्गियों की तरह ही दाना पानी देते रहो। अरे ये अंडा इतना चमकीला क्यों है, ये तो सोने का अंडा लग रहा है। ये तो बिल्कुल सोने का ही है, सुन रहे हो? अरे अजीब, बाहर आओ। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो इस अंडे को। अरे ये अंडा, ये तो सोने का अंडा लग रहा है। मैं तो कहती हूँ एक बार जोहरी के पास जाओ, फिर पता चलेगा सोने का है या नहीं है। अच्छा जाता हूँ मैं। अरे क्या लाए हो भाया, ये एक अंडा है, सोने का अंडा, कहाँ से लेके आए? अरे मेरी दादी ने मुझे दिया था, बक्से में रखा था, तो आज पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने इस अंडे को बेचने का सोचा है, देखो तो ये ठीक है ना? अरे भाया ये तो खरा सोना है, खरा, देखो इसके मैं 20,000 दे सकता हूँ। चलेगा चलेगा, आप 20,000 दे दो मुझे। ये देखो 20,000 मिले हैं एक अंडे के, अब अगर इस मुर्गी ने कल भी अंडे दिए तो समझो 40,000, और परसों भी दिए तो 60,000, हमारे पास तो पैसों की कमी नहीं रहेगी, इतने सारे पैसे आएंगे। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत ही अच्छा है ये, देखती हूँ अब तो मुझसे इंतजार नहीं होता, कल सुबह देखती हूँ कितने अंडे मिलते हैं। Thank you.
अरे वाह, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आज भी एक सोने का अंडा, मजा आ गया। अब तो यहाँ सोने के अंडों के भंडार लग जाएंगे। कल फिर से एक सोने का अंडा। क्या हुआ, आज भी सोने का अंडा मिला है क्या? हाँ बिल्कुल, ये देखो एकदम खरा सोना। अब मैं तो कहता हूँ अब हम इसे जमा रखते हैं। जोहरी को अगर शक हो गया और उसने जाकर टीकू सेठ को कह दिया तो फिर टीकू सेठ हमसे ये मुर्गी छीन कर ले जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक कह रहे हो तुम, अब हम जरूरत के समय ही इन सोने के अंडों को बेचेंगे। अभी हम इसे रख देते हैं। अब हमारे पास बहुत धन हो गया है, अब मैं इसमें से बहुत सारे अंडे बेचकर इस घर की मरम्मत कराऊंगा, एक आलीशान सा घर बनाऊंगा, बेहद सुंदर। अच्छा, मालिक को बताना पड़ेगा, यहाँ तो लोचा है। अरे ऐसा क्यों, इस गांव में मुझसे ज्यादा धनवान कोई नहीं हो सकता है, और उनकी ये मजाल, उनको तो मैं मजे चखा दूंगा। अरे कालू, ओ कालू, दरवाजा खोल, देख कौन आया है। अरे मालिक क्या बात है, अरे तेरी इतनी हिम्मत, गांव में कुछ हो रहा है तूने हमें बताया भी नहीं, और तुझे क्या लगता है गांव में एक पत्ता भी डोलता है तो मुझे पता चल जाता है, और तुमने सोने के अंडों से भरी हांडी छिपा के रखी है। नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। मालिक इनके घर की तलाशी लो, सब समझ में आ जाएगा, कितना झूठ बोलेंगे। हाँ हाँ जाओ चील, देखो तो इनके घर में सोने के अंडों से भरी हुई हांडी है कि नहीं। मालिक, ओ मालिक, देखो मालिक, इसने यहाँ छिपा कर रखा है। ठीक, अरे ये हांडी। हाँ मालिक, देखो कैसे सोने की तरह चम चम चमक रही है। अरे तेरी आंखें खराब हो गई है, मुझे लगता है तेरी आंखों को ठीक करवाना पड़ेगा, ये तो साधारण अंडे है। वही बात तो है मालिक, हम मुर्गियां पालते हैं तो उसी के अंडे हमने जमा कर रखे हैं, यहाँ कोई सोने के अंडे वंडे नहीं है। मालिक क्या कह रहे हैं, ये सोने के अंडे नहीं दिख रहे आपको? अरे तू मेरा दिन खराब कर रहा है, अभी मैं खेतों पे जाता वसूली करता, न जाने क्या क्या कह के मुझे यहाँ ले आया, यहाँ कहाँ सोने के अंडे हैं, कोई सोने वोने का अंडा नहीं है, चलो यहाँ से। मालिक लेकिन है। अरे चलो मैं तुम्हारे दिमाग का भी इलाज करवाऊंगा। तूने कुछ जादू किया ना, मुझे सब पता है, एक न एक दिन मैं तेरा भेद खोल कर रहूंगा,
देख लेना, आज तो जा रहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होगा। बच गए आज तो, न जाने ये टीकू सेठ क्या करता। हाँ चलो, ऊपर वाले ने हमें बचा लिया। हमारे पास जो ये अंडे हैं, ये जादुई अंडे हैं, इसी वजह से हम बच रहे हैं। अब तो मैं सोचता हूँ इस गांव के जोहरी को बेचूंगा ही नहीं, शहर जाऊंगा और शहर जाकर बेचूंगा, ताकि किसी को पता न चले। हाँ बिल्कुल ठीक समझे हो, झूठ मूठ की लड़ाई नहीं लेनी हमें, तुम शहर जाकर इन अंडों को बेच देना। धीरे धीरे वो अपने घर को भी बदल देता है और बहुत सुंदर घर बनाता है।